ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है हम गाइस ये ट्रेंडिंग रील एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? सब कुछ आपको टेक्स्ट वगैरह सब कुछ दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना एंड जो जो स्टेप मैं बताऊंगा उनको ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे गए जस्ट आपको कैपकट ऐप का ओपन कर लेना है गाइस, एंड अपनी वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे जस्ट आप लोगों को करना है गाइस, यहाँ पे आप लोग अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पे गए सबसे पहले मैं ऑडियो का ऐड कर लेता हूँ, ताकि जो है यहाँ पे मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बाद में, है ना? इसलिए तो मैंने यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये देखूँगा कि जो मतलब जहाँ से बाइक को मैंने यहाँ पे देखा है, मतलब बाइक जहाँ से दिखना स्टार्ट हुई है वहाँ पे गाइस जस्ट मैं क्या करूँगा, वहाँ पे गाइस एक लगाऊंगा मैं क्रोमा की, ठीक है? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रोमा की का गाइस, ठीक है? क्योंकि क्रोमा की से जो है ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रोमा की का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से जैसे एक क्रोमा की यहाँ लगाएंगे एंड आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम वीडियो को जूम कर लेंगे गाइस, ठीक है? इस तरीके से जूम इस तरीके से करना है, एंड आप लोगों को जूम इस तरीके से करना है कि आपकी बाइक जो अच्छे से नज़र आए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक बार आप प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है? जूम होके कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखिए ऐसे, ठीक है? पहले वीडियो दूर होगी एंड उसके बाद जूम होके ऐसे हो जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो इसमें कुछ मतलब कि आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक वीडियो को कट लगाऊंगा एंड यहाँ पे इसका स्पीड स्लो कर दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है मैंने उतनी रेंज की नहीं बनाई है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके लंबी कर लूँगा वीडियो को, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है इसका जो है 0.6 तक कर दूंगा, एंड यहाँ पे जो है बेटर क्वालिटी में कर देंगे हम इसे, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक ये हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। बाकी जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करिए आप सभी ने तो, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद गाइस क्या करना है आप सभी को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो गया। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद जो है हम यहाँ पे करेंगे कलर ग्रेडिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपली कलर एडजस्टमेंट में चलेंगे, एंड इसके बाद एडजस्टमेंट में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट लेंगे, कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? एंड सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, ब्राइटनेस को कम कर देंगे एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है? कलर ग्रेडिंग में जाएंगे, सबका यहाँ पे जो कलर है सबका सैचुरेशन माइनस कर देंगे गाइस, ठीक है? क्योंकि हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए इसमें, बाकी सब आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? बाकी उसका जाएंगे कर्व टूल में, आप येलो कलर को यहाँ पे थोड़ा जो सॉरी ब्लू कलर को थोड़ा नीचे करेंगे ऊपर से एंड साइड से भी, ठीक है? तो ये वाला स्टेप जो है आप लोग ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद हाइलाइट्स वगैरह विग्नेट हल्का सा इंपोर्ट कर देंगे इसमें, एंड अप्लाई टू ऑल कर देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ वीडियो इस टाइप से बनेगी, ठीक है? अभी गाइस इसमें और भी इफेक्ट ऐड करना है, अभी टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे एंड यहाँ पे ओवरले में जाके यहाँ पे ये वाली वीडियो को ऐड करेंगे, ठीक है? एंड इसको ऐड करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करेंगे एंड इस वीडियो को आगे बढ़ा देंगे जहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो है मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ, ठीक है? ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पर रखेंगे फिल्टर, ठीक है? कुछ इस टाइप से, एंड देख लेना आपको कहाँ रखना है, उसके हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना है। एंड इसका जो म्यूज़िक है पहले मैं ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, ठीक है? इतना जाने के बाद हमारा म्यूज़िक ऐड हो गया यहाँ पे, एंड इसको मैं क्या करूँ थोड़ा आगे एक साइड में रखता हूँ, एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है? इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है? फिर वीडियो इफेक्ट में एंड लाइट में जाके गाइस आप लोग को ये वाला इफेक्ट मिलेगा, ठीक है? ये वाला एंड ये वाला ऐड कर देना आप, एंड इसकी जो एडजस्टमेंट है गाइस स्पीड वगैरह आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? यहाँ पे मैं सब कुछ अपने हिसाब से रख रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? जो आपको जैसा लगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप से हमारी वीडियो बनी है, ठीक है? बाकी आप दिन में बनाना है, मैंने रात में वीडियो शूट करी थी इसलिए थोड़ी खास कलर ग्रेड नहीं हो पाई है। तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन सभी को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक है? एंड यहाँ से भी मैं थोड़ा सा वीडियो जो है इनको भी कट कर देता हूँ, ठीक है? तो फाइनली वीडियो हमारी एडिट हो चुकी है, यहाँ पे हम 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।